की बात करें, सबसे पहली बात है कि स्टेक होल्डर क्या है। स्टेक होल्डर हर चीज के हैं। पहली बात, मिसाल के तौर पे हर एंटिटी का स्टेक होल्डर है। ये रोस्टर इस स्टेक होल्डर है, वो कौन, अगर ये खराब हो जाए तो किस किस को फर्क पड़ेगा? जिसको फर्क पड़ेगा वो स्टेक होल्डर। मिसाल के तौर पे टूट जाता है, मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है, सीएफई का नुकसान है, तीनों स्टेक होल्डर है। ये पंखा आपके स्टेक होल्डर, ठीक है, आपके दाएं पैर के बाएं अंगूठे में चोट लग जाती, किसको दुख होगा, वालदा को होगा, वालिद को होगा, ठीक है। और जो है तो ये सब क्या है, ये आपके स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो पर्सन हो सकता है, ठीक है, ग्रुप हो सकता है, पर्सन में हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, इवन इंसान हो सकता है और नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने सीएफई के सामने से एक दरख्त कटवा दिया, उसके ऊपर एक चिड़िया रहती थी, ठीक है, उसका नेस्ट, तो वो भी स्टेक होल्डर, ठीक हो गया ना बच्चों? तो ये सब, ये नॉन ह्यूमन भी स्टेक होल्डर होते हैं। अच्छा बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेक होल्डर वो एंटिटी है जो इफेक्ट करती है और इफेक्ट होती है बाय द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो यानी वो मुतासिर करते भी हैं, मुतासिर होते भी हैं, इफेक्ट करते भी हैं, इफेक्ट होते भी हैं। अब देखिए, आप देखिए, अगर आप फैशन शोज को देखें तो वहां ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि जीने का ये स्टाइल है, कुर्ता पहनो, ऊपर वेस्ट कोट पहनो, इस तरह जियो, ऊपर एक क्रॉकली टोपी पहनो, ये है स्टाइल। अच्छा, जब बस तब आप जाते हो जाके कहते हैं कि कॉलर गर्मियों में सही नहीं है, जरा होने ही चाहिए, तो क्या है ये, आप भी मुतासर कर रहे हैं, वो भी मुतासर कर रहे हैं, वो भी आपको जीने का स्टाइल बता रहे हैं और आप भी उनको अपनी जरूरत का। इस तरह स्टेक होल्डर वो है जो मुतासर होते भी मुतासर करते भी, ठीक है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि अच्छा, अब वो स्टेक होल्डर क्या है, एक आम कॉन्सेप्ट है, शायद ये शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है, लेकिन बाकी लोग भी स्टेक होल्डर है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किस किस का स्टेक इन्वॉल्व होता है, अगर गौर किया जाए तो एक सप्लायर जब माल देता है तो क्या वो सारे पैसे एडवांस ले लेता है? अक्सर किस पे देता है, क्रेडिट पे, तो उसका सरमाया लग गया ना बीच में, पैसा लगा हुआ उसका, स्टेक आ गया। अच्छा, इंप्लॉई 29 दिन बाद तनख्वाह देता है, एटलीस्ट 29 दिन बाद जब वो तनख्वाह देता है तो 29 दिन का उसका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट है उसकी, और फिर उसका प्रोविडेंट, उसके कई फंड डिडक्ट होते हैं जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम में ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो बैंक ने कर्जा दिया हुआ, तो बैंक भी क्या है, पैसा तो उसका भी लगा हुआ, तो शेयर होल्डर का भी लगा हुआ है, इसलिए शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है, बैंक भी स्टेक होल्डर है, सप्लायर भी स्टेक होल्डर है, कस्टमर भी है, इंप्लॉयर भी। और कस्टमर क्यों है, क्योंकि उसने आपकी गाड़ी खरीदी है, अगर आपकी कंपनी बंद होगी उसकी गाड़ी की वैल्यू गिर जाएगी। पूछे उन लोगों से जिन्होंने हुंडई सेंट्रो खरीदी थी और 2008-09 में जब उन्होंने ऑपरेशन बंद किया तो एट ए टाइम वो जो 8 लाख की गाड़ी थी वो 6 की होगी, क्योंकि कंपनी बंद हो गई। लेकिन कंपनी को भी हम एडवांस पैसे दे देते हैं गाड़ी के, अगर आप टोयोटा बुक कराते हैं तो पैसे एडवांस दे देंगे, तो आपके पैसे क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हम सारे ही स्टेक होल्डर बन जाते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिश्तेदार होते हैं, कुछ करीब के रिश्तेदार होते हैं और कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं और कुछ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो कनेक्टेड या जिन्होंने हमारी दीवार के साथ दीवार रख दी पड़ोसी, वो हमारे कनेक्टेड स्टेक होल्डर, कनेक्ट हो गए ना। अच्छा, लेकिन यहां वो जो अंदर मौजूद है वो क्या है, इंटरनल, जैसे इंप्लॉइज इंटरनल है, मैनेजर इंटरनल है, डायरेक्टर इंटरनल है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इधर आएंगे क्योंकि वो विजिटिंग होते हैं, आपको पता है ना, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इधर आएंगे, वो कनेक्टेड है। अच्छा, कनेक्टेड आमतौर पर उन्हें कह सकते हैं जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मुआहदा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे शेयर होल्डर का सर्टिफिकेट दिया था आपने जब शेयर किसने खरीदे थे, तो शेयर खरीदने का कागज का टुकड़ा दिया था ना आपने, वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। कस्टमर ने जब गाड़ी खरीदी थी इनवॉइस दी थी आपने, गारंटी कार्ड दिया था, तो वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। सप्लायर ने जब बिल भेजा था उसे साइन किया था आपने,
तो जो बिल है वो क्या है, वहां पर कैश बिल बन जाता है, पढ़ा था ना आपने, तो वो भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपने फाइनेंस प्रोवाइडर यानी बैंक्स को फॉर्म करके दिए थे लोन लेते हुए, तो वो भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारे क्या है कनेक्टेड है। अच्छा, लेकिन याद रहे कि ये दोनों ग्रुप मिलके एक्सटर्नल कहलाते हैं, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं एक्सटर्नल, लेकिन प्योरली एक्सटर्नल ये है और एक्सटर्नल में से एक ग्रुप ऐसा जो करीब जाके कनेक्टेड हो जाता है, दोनों एक्सटर्नल। शेयर होल्डर दो वजूहात की बुनियाद पे जो है वो क्लासिफाई होता है, याद रखना। अगर वो मेजर शेयर होल्डर है तो वो इंटरनल है, जैसे उसके पास 30% 40% नहीं 50% शेयर, वो इंटरनल होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो कनेक्टेड है। क्यों? इंडिविजुअल शेयर होल्डर एक कंपनी में पैसे लगाता है, नहीं 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 वो तो थोड़े 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 हर जगह लगाए स्टॉक मार्केट से ये जी, और बेचते रहते हैं, कभी रिश्तेदारी हो जाती कभी रिश्तेदारी टूट जाती जी, एक्सटर्नली उठाते हैं। लेकिन कोई डायरेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, डायरेक्टर है उसका, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डायरेक्टर है, तो उसके पास 50% शेयर है, वो इंटरनल है, वो इंटरनल हो गया। क्यों इंटरनल हो गया? क्योंकि सारा पैसे ही आपने उसका लगाया मेजर। तो ये फर्क होता है, लिहाजा किताबों में इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन आप उसको वरी नहीं करना, उसको पता है कि डिस्क्रिपेंसी मौजूद है, और बच्चा इस मामूली सी बात को ब्रेक नहीं कर पाता कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर कनेक्टेड होता है, मेजर शेयर होल्डर इंटरनल होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनल होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सटर्नल होता है। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर, इसमें इंटरनल कौन है? एम्प्लॉइज इंटरनल है डेफिनेटली। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज कनेक्टेड स्टेक होल्डर, जो कनेक्टेड मैनेजर्स, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा बच्चों क्या आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिस्क्राइब एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, सप्लायर को एक्सटर्नल कह सके, बाकी इंटरनल है तीनों। तो सवाल बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है इसका, लेकिन कम अज कम दो है। अच्छा, कंपेटिटर को इसने एक्सटर्नल नहीं कहा। अच्छा, ये असल में ये होता है कि जब मुकाबला होता है ना तो एक जैसी ऑप्शन का, तो फिर हम देख लेते हैं कि इसमें से बेस्ट कौन सी है, यानी मोस्ट सुटेबल। तो आपने मोस्ट सुटेबल कौन सा देखा? आपने देखा इसने पूछा था एक्सटर्नल, तो आपने चूज किया ट्रेड यूनियंस। ये ट्रेड यूनियंस कौन सी होती हैं? यानी लेबर, ताजर बरादरी, फलां, ये ट्रेड यूनियंस है ना। अच्छा, लेकिन कंपेटिटर को आपने फिर एक्सटर्नल काउंट नहीं किया, उसकी वजह कंपेटिटर आपके साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स में साथ बैठता है और कभी कभी तो कार्टेल बनाई होती है। अभी सीमेंट का रेट निकला कल परसों, तो सारे इकट्ठे थे और रिसर्च शेयर करते हैं, पाइपलाइन शेयर करते हैं, थॉट्स शेयर करते हैं, दूसरे के साथ मुकाबला भी करते हैं, तो लिहाजा कभी कभी ये भी आपस में इंडिजिनस हो जाए। लेकिन अगर वो ट्रेड यूनियन ना होता तो डेफिनेटली किसको यूज करते आप? फिर कंपेटिटर को करते। वो आप उसको छोड़ेंगे क्योंकि वो की है, वो कनेक्टेड में चला जाता है, वो कनेक्टेड में चला जाता है। अच्छा बच्चों, अब आ गया कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय, सॉरी कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों आगे आ गया सेकेंडरी शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स। सेकेंडरी स्टेक होल्डर डेफिनेटली वो होते हैं, सेकेंडरी का मतलब ही सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है, क्या है? सेकेंडरी है, तो वो एक्सटर्नल सेकेंडरी है, क्या हल? सेकेंडरी। अच्छा बच्चों, इंप्लॉइज एंड फाइनेंस प्रोवाइडर बिलोंग टू विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स? तो इंप्लॉई हो जाएगा इंटरनल और ठीक हो गई बात, वो कनेक्टेड हो जाए, ठीक हो गई बात, दोनों कट्ठे बना लेते ना। अच्छा, अब आगे टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, अब ना इनके इंटरेस्ट की बात चल रही है कि किस स्टेक होल्डर का कंपनी में क्या इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे मैनेजर जो है ना और नॉन मैनेजर इंप्लॉयज, इनका बड़ा एक कॉमन सा इंटरेस्ट है, दोनों चाहते हैं कंपनी की ग्रोथ हो,
लेकिन मैनेजर जो होते हैं ना, इनके पास एक खास मुख्तलिफ इंटरेस्ट होता है। ये साथ साथ क्या मानते हैं, और साथ क्या मानते हैं, प्रेस्टीज, पावर। यानी जरा ऐसा है कि हम मैनेजर हैं, हमें गाड़ी यूनिक किस्म की मिले, जब हम अपना फर्म यानी ऑफिस पहुंचे तो कोई अम्ब्रेला लेके खड़ा हो कि धूप में आपको गर्मी ना लगे, यानी स्किन टैगिंग का हालात जा रहा था। तो कहने का मतलब है प्रेस्टीज स्पेशल हो, आपके लिए कुछ पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप के लैपटॉप्स हो जो दूसरों के पास हो, सब थोड़ी सी इस तरह की। लेकिन जब आप आते हैं ना इम्प्लॉयज की तरफ, वो जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को ऊपर जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब वो काम करें तो उन्हें करंट ना पड़े, केमिकल रिएक्शन से बचे, खतरे से बचे, और जॉब भी सिक्योर है। लेकिन जैसे फेमस होना प्रेस्टीज में नजर आई उनके लेवल की बात नहीं होती, ठीक है ना। और भी बड़े इख्तलाफात होंगे लेकिन ये उनके लेवल की बात नहीं होती। वो चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन ग्रोथ वाला दोनों चाहेंगे कि कंपनी की ग्रोथ, क्योंकि दोनों में वफादार उसके साथ बोले। अच्छा, तो ये दोनों में फर्क होगा। अब अगर आप देखेंगे कि जो आपके साथ कुछ और भी स्टेक होल्डर होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली यहां ये रिपीट हो गए हैं, पता नहीं मैंने कैसे किया है केस इसको। अच्छा, तो आप देखें इसके अंदर ना, अगर आप देखेंगे कि लेंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो आप जरा देखिएगा कि एक होते हैं आपके सप्लायर्स। अच्छा, सप्लायर्स होते तो वैसे कनेक्टेड है, लेकिन सप्लायर को मेनली आपसे क्या इंटरेस्ट होता है। सप्लायर की थॉट बिल्कुल एक तरह की होती है, जैसे आपके घर के पास बैगर्स आ गए, तो बैगर्स आके दुआएं देते हैं कि तुम्हारे घर में बाग लग जाए, तरक्की हो जाए, ये वो, क्योंकि वो देखता है कि अगर इसकी तरक्की नहीं होती मुझे 10 रुपए दे रहा है, अगर कल को इसको बाग लग गए तो ये तो 100 रुपए दिया करेगा मुझे। लिहाजा वो दुआ करता है कि आपकी तरक्की से उसकी तरक्की, सप्लायर का भी मामला है। अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो उसे क्या मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, उसे टाइम पे पेमेंट्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो उसकी तरक्की आपकी तरक्की से लिंक्ड है। अच्छा, यही चीज आपको नजर आएगी लेंडर्स और बैंकर्स में। फर्क सिर्फ ये है कि सप्लायर आपको मटेरियल देता है और लेंडर आपको जो है वो सरमाया देता है। अच्छा, चाहते दोनों यही है कि आपकी ग्रोथ हो, वो कहेगा ग्रोथ हो तो माल और मांगो, मटेरियल मांगो, तुम्हें इतनी डिमांड हो तुम्हारे प्रोडक्ट की, ड्राइव डिमांड है ना, तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो मेरे मटेरियल की डिमांड होगी, तो मुझे पैसा दोगे ओवर टाइम की पेमेंट दोगे। लेकिन बैंक से कहता है अल्लाह करे तुम्हें और प्रोजेक्ट लगाने पड़े, उन प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास पैसा कम पड़े, तो तुम मेरे उधार मांगने आओ, और जब तुम उधार मांगने आओ तो मैं तुम्हें 100 रुपए पैसा दू और उससे मैं अपना प्रॉफिट जनरेट करूं। जाहिर फर्क सिर्फ क्या है, पैसा और मटेरियल, बाकी वही। अब बाकी रहेगी बात क्या जी, के इम्प्लॉयज की बात हो चुकी है, इनको मैं छोड़ देता हूं, हम ट्रेड यूनियंस की बात कर लेते हैं। ट्रेड यूनियंस होती है जैसे आप यू कीजिए किसी भी एक प्रोफेशन के लोगों की यूनियंस को ट्रेड यूनियन का नाम आप दे सकते हैं। तो ट्रेड यूनियंस क्या होती है, जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इवन आईकैप भी ट्रेड यूनियन है, एक प्रोफेशन के लोगों की यूनियन। तो ये क्या करती है, भी बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। अच्छा, मेडिकल एसोसिएशन कौन से बिजनेस को कंट्रोल करती होगी, हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। अब प्राइवेट हॉस्पिटल मैं खोलता हूं, मैं कहता हूं जी देखें जी घुटना होता है मूव करता है, मैं इसे बैरिंग डालूंगा, मैं इंजीनियर से ऑपरेशन कराऊंगा, मैं इंजीनियर से ऑपरेशन कराऊंगा, इसके अंदर बैरिंग डालूंगा, वो और तेज भागेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब वो मेडिकल एसोसिएशन खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी नहीं भाई नहीं हमारा रूल है, तो अगर हॉस्पिटल खोलना है तो वहां पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रूल चलेंगे। बाटा वाले खड़े हो जाए नहीं जी हम टोटल नीचे करा करेंगे क्योंकि हम जूते बनाते हैं, खड़े हो जाएंगे कि हम टोपियां बनाते हैं टोटल ऊपर खड़ेंगे, तो अकाउंटेंट खड़े हो जाएंगे नहीं भाई तुम जो मर्जी बनाओ टोपियां बनाओ या शूज बनाओ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो हमारे ही चले। तो ट्रेड यूनियन आपके कारोबार को आके बताती है कि जी ये मेरे रूल है और ये तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, और ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि चूंकि मेरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट से नक्शा बनाऊंगा, नक्शा इंजीनियर ही बनाए। तो ट्रेड यूनियंस इसलिए खड़ी हैं, इवन ये हुकूमतों का आदमान देती है, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई हॉस्पिटल बना रहा है
तो प्राइम मिनिस्टर होगा अपने पार्लियामेंट में होगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो उसके रूल कौन से होंगे? जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहेगी वही हो। क्लियर बच्चों? इसलिए ट्रेड यूनियंस अपने रूल बनवाती हैं, और कस्टमर्स कस्टमर्स कहते हैं कि तुम्हारा कारोबार ग्रो करे, तुम तो देखो अगर तुम्हारा कारोबार ग्रो करेगा तुम कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, हो सकता है तुम डेवलपमेंट करते 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 एक ऐसी गाड़ी बना दो जिसमें बेहतरीन एसी हो और वो 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलती है। क्या बात, मैं 3 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा। अच्छा तो देखिए वो चाहता है रिसर्च हो। अच्छा एक बात ये भी है कि ये भी कहते हैं एडवर्टाइजिंग विद एथिक्स। अब देखिए ना हम जो है वो किसी परफ्यूम की एड वेस्टर्न उठा के पाकिस्तान में नहीं चला सकते और सऊदी अरब में तो बिल्कुल नहीं चला सकते, हमें उनके कल्चर के मुताबिक एड बनानी पड़ेगी। अच्छा सिमिलरली आपकी एडवर्टीजमेंट हमारे कल्चर और हमारी नेशनल इंटेग्रिटी को चैलेंज ना करती हो, पता लगे आप हमारे ने दो कौमी नजरिए के खिलाफ भी बात कर दी, वो जी वो गलत है, एक्चुअली 3 कौमी नजरिया सिख भी तो थे। तो कहने का मतलब ये कि आप नई बात नहीं कर सकते, तो आप कल्चर भी हमारा देखना पड़ेगा, आपको वैल्यूज भी देखनी पड़ेगी, और कस्टमर चाहता है मेरे राइट्स प्रोटेक्ट हो। आप जब मुझे गाड़ी देते हो तो आप वादा करो क्वालिटी अच्छी होगी, तुम जो कमिटमेंट करोगे वो पूरी होगी, स्पेयर पार्ट्स भी डिलीवर करोगे, अच्छा मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन को ट्रेंड भी करोगे, और उसका डिजाइन ऐसा बनाओगे कि इंजन खुल गए रिपेयर भी हो सके। यानी मींस ये भी तो होगा ना, चीज का डिजाइन ऐसा बनाएगी एसी खुले ना, तो ये कुछ कस्टमर्स के राइट्स हैं जो कि उससे देने बड़े जरूरी है। अच्छा बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन एन आर्टिकल बॉब इज सरप्राइज एट हाउ स्टेक होल्डर आर देयर आर एट स्टेक देयर आर, यानी वो यही समझ पा रहा स्टेक होल्डर कौन से हैं और उनका क्या स्टेक है कंपनी में। He is finding difficult to distinguish between various groups. What are the need expectations of the following stakeholder and which of the following would not be described as a correct stakeholder? यानी सवाल लंबा है, इसमें से कौन से stakeholder का main stake कौन सा है? ठीक है, तो I have picked it from the book of Seema ताकि आपको पता चले customer का क्या है, अच्छा product हो ये मेन स्टेक है, और भी स्टेक्स होंगे रिपेयर वगैरह आफ्टर सेल सर्विसेज। अच्छा एंड देन सप्लायर, सप्लायर का मेन स्टेक क्या है, टाइम पे पैसे दो और ऑर्डर दो, और फिर बताओ इंप्लॉइज का स्टेक क्या है, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्टिंग वर्क, ये नहीं कि काम इंटरेस्टिंग ही ना हो, ये लोहा कूटो और इसको उठा के भट्टी में फेंक दो, काम इंटरेस्टिंग हो और फिर उसके बाद शेयर होल्डर वांट अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और शेयर होल्डर चाहते हैं कि आपके पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स हो, शॉर्ट टर्म भी प्रॉफिट देते हो और लॉन्ग टर्म भी हो, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म, जैसे हमारी गवर्नमेंट्स आती है तो क्या करती है वो अपने 3-4-5 साल गुजार जाती है ना, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, यही वजह है कि आज हमें साल है। लेकिन शेयर होल्डर ये बात सोचता है कि मैंने उस कंपनी को मानता हूं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में, और इनमें से कनेक्टेड कौन सा है, इम्प्लाइज इज नॉट कनेक्टेड, बाकी सारे कनेक्टेड। क्लियर जी? अच्छा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मे बी कंसीडर्ड एज टू बी स्टेक होल्डर इन द एक्टिविटीज ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी चश्मा के मुकाम पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगा तो मेन स्टेक किसका है, तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा लगा। अच्छा लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हकूक के इंसानी में बात करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ के जी वो कहते हैं, नहीं सॉरी फ्रेंड्स ऑफ अर्थ का मतलब दुनिया की स्पीशीज के भी हक है, डड्डू को भी जीने का हक है, कछुए को भी जीने का हक है, अगरमच्छ को सॉरी मगरमच्छ को भी जीने का हक है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ऑफ अर्थ हो गया ना, और उसके साथ क्या है एम्प्लॉई लोकल एजेंट, क्या हाल है, इसमें से कौन सा वाले जो पहला क्या हाल है, ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि सारे ही हैं, सारे ही सोचिए तापकारी फायर हो गई, लेट्स से फायर रेडिएशन, रेडिएशन फायर हो गई तो इम्प्लॉय बच जाएंगे, लोकल एजेंट बचेंगे नहीं, उनके तो रंग ऐसे हो जाएंगे जैसे केला चित्रा मित्रा होते हैं। अच्छा और फ्रेंड्स ऑफ अर्थ खुश होंगे,
जब उनके सामने टट्टू की कछुए की लाशें पड़ी होंगी तो रो रो पड़े और गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद होगा। लिहाजा ऐसी हालत में तो सारी स्टेक होल्डर बन जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? ये सारी स्टेक होल्डर बनेंगे, सबका नुकसान। अच्छा बच्चों, अब आपको भी ना जब तक कोई हादसा करके ना दिखाओ आपको बात समझ नहीं आती। अच्छा बच्चों, अब व्हेन एनालाइजिंग द स्टेक होल्डर नीड्स द ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर दैट इज लाइकली टू बी मोस्ट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट। अगर हम इन स्टेक होल्डर को देखें तो कौन सा ऐसा जो मुआशी तौर पर टोटली डिपेंडेंट है बेचारा? तो कहता है कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है एम्प्लॉयज, क्योंकि अगर इसमें मैं शेयर होल्डर डाल देता तब भी एम्प्लॉय, उसकी वजह शेयर होल्डर के तो शेयर कहीं कहीं और भी जगह भी होंगे, लेकिन एम्प्लॉय चलेगा तो करियर ही उसके साथ लगेगा। अंदाजा करें, है ना? आपको मैं यहां से बताता हूँ कि मैंने जब आज मैं डॉक्टर होता है, बड़े से डिपार्टमेंट का हेड होता और आपकी जगह रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, वजीर आजम को मुआशी मशवरे दे रहा होता। अच्छा बच्चों, अब आगे बच्चे स्टेक होल्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। अच्छा, इसमें ना मेंडोलास मैट्रिक्स ज्यादा हमें स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्लिक्ट बेशक आगे पॉडर्स ने भी देखी पड़ोस। हाँ, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इंप्लॉयज हमेशा चाहते हैं कि सैलरीज बढ़े और मैनेजर चाहते हैं बोनस मिले। उसकी वजह यह है कि अगर सैलरीज बढ़ाओगे तो अगली दफा कॉस्ट और बढ़ेगी और उन्हें परफॉर्मेंस शेयर होल्डर को शो करने मुश्किल हो। इसमें मतलब सैलरी ना बढ़ाओ, बोनस दे दो। बोनस अगर कल तो नुकसान होगा, बोनस नहीं देंगे, लेकिन सैलरी एक बार बढ़ गई तो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, इसे मैनेजर और डायरेक्टर ही इनका। अच्छा, इसी तरह कस्टमर और शेयर होल्डर में भी एक लड़ाई है। शेयर होल्डर ये कहता है कि क्वालिटी मुनासिब दो इसे और मुनाफा कमा के मुझे दो, पर कस्टमर कहता है बिल्कुल मुनाफा ना कमाओ, अच्छा स्टील लगाओ, अच्छा एल्यूमिनियम लगाओ और मुझे ऐसी गाड़ी दो जिंदगी भर खराब ना। देखिए कंट्रोवर्सी है ना, वो कहता है सारा बेनिफिट मुझे दे दो, वो कहता है सारा बेनिफिट मुझे दे दो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके अब्बू बेचारे कमा के जब लाते तो एक तरफ आपकी दादी होती है तो आपकी अम्मी होती, वो कहती है सारी तनख्वाह मैं दे दो, सारी मुझे दे। ऐसे होता है दुनिया नहीं बच्चों? चले हम इतनी मुश्किल खा लेते हैं। जनरल पब्लिक वर्सेस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कहते हैं थोड़ा सा धुआं उड़ने दो, खैर इतनी पोल्यूशन की फिक्र ना करो, लेकिन आम आम के बिना दवा हो जाएगा क्या करो, वो कहते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्योरिफिकेशन प्लांट चाहिए, रीप्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, वो महंगे होंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। शेयर होल्डर कहेगा नहीं ये कॉस्ट भी ना करो, खैर है धुआं छोड़ दो कोई बात, थोड़ी देर हुआ बढ़ा के ले जाए, लेकिन पब्लिक तो यही मानेगी। इसी तरह मैनेजर वर्सेस मैनेजर चाहते हैं हमेशा, याद होगा आपने जितने भी सवाल आए तक हल किए और अक्सर देखा होगा नेशनल इनकम में देखा होगा कि वो पूरा डिविडेंड नहीं देते, याद है आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्यों बोला कि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रखो और शेयर होल्डर सारा डिविडेंड हमें दे दो, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है ना तो जाओ बैंक से कर्जा ले लो, कमाओ खुद भी कमाओ हमें भी दो, और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं तो हमारे गरीबों का डिविडेंड क्यों रोकते हो, पता नहीं हमने शेयर आगे ये रखने भी के नहीं रखने, वो कहते हैं पूरा डिविडेंड, इसलिए इख्तलाफात रहे। लेकिन मेन फोकस पॉइंट आपको क्या है? मेंडोलास मैट्रिक्स। मेंडोलास मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो आपको बताती है कि इन स्टेक होल्डर के साथ आपने ट्रीट कैसे करना है और ये क्यों आपको सिखाई जा रही है, चूंकि बाहर वालों के जहन में एक ही बात है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने लेटर ऑन बाय लेट आर बाय सम इयर्स आफ्टर उसने टॉप मैनेजमेंट के साथ, यानी परसेप्शन यही है। तो कहते हैं उस वक्त सारी बात है, अगर हम सारे पैसे इंप्लॉइज को दे दें और अच्छी गाड़ी ना बनाए तो कस्टमर द्वारा गाड़ी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, लिहाजा हमें कस्टमर को अच्छी गाड़ी भी देनी है, इंप्लॉइज को तनख्वाह भी देनी, और अगर ना दी तो चले जाएंगे दूसरी कंपनी के पास, ये भी जरूरी है। अच्छा, सप्लायर को पेमेंट ना दी टाइम पे, वो अच्छा मटेरियल किसी और को दे देगा, क्या हाल है? और बैंकर को टाइम पे पैसे ना दी तो आगे लोन नहीं मिलेगा। लिहाजा हमें पेरेंट्स की तरह सोचना कि तमाम स्टेक होल्डर को सब कुछ मिलना चाहिए, इतना कमाए कि एम्प्लॉयज की सैलरी भी बढ़े
सप्लायर को टाइम पे वक्त पे पेमेंट मिले, बैंकर्स को टाइम पे पेमेंट मिले और गाड़ी अच्छी बने और कस्टमर को अच्छी वैल्यू मिले, देन हमारा नाम टोयोटा है, देन हमारा नाम होंडा है या हमारा नाम जनरल मोटर्स है, वरना अदरवाइज कुछ भी नहीं। क्या हाल? अच्छा बच्चों, अब बात यह आ जाती है कि मेंडोला ये बताता है कि इनसे ट्रीट कैसे करो। वो कहता है देखो दो चीजों पे ख्याल रखो, एक होती है जिसको हम कहते हैं दिलचस्पी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ये वाला इंटरेस्ट नहीं, मुफाद। इसका कितना मुफाद तुम्हारे साथ अटैच है, तो मुफाद, दिलचस्पी, इंटरेस्ट, बेनिफिट, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। सिमिलरली पावर, पावर का मतलब है इख्तियार, कर क्या सकता है। आपके साथ तो अक्सर ही होता है ना कि आगे पूछते तुम कितने भाई आओगे, छह भाई, सात तुम दे दे मेरा की कर जाना होता है ना अक्सर। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि ये वही वाली बात है कि इख्तियार क्या है तुम्हारे पास, तुम कर क्या सकते हो, क्या वाकई तुम कोई रफड़ झपड़ डाल सकते हो? नहीं बच्चों। अच्छा तो बाज अवकात इख्तियारात या ताकत बहुत ज्यादा होती है और बाज अवकात कम होती है। तो मेंडोला कहते हैं कि अगर किसी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट भी हाई है और उसकी पावर भी हाई है तो उसको हमेशा की प्लेयर बनाओ। यानी अगर ऐसा कोई स्टेक होल्डर मिले तो आप उससे कहें सर आप मनी मैनेजमेंट ज्वाइन करें, आप हमें एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन करें ताकि वो आपका हिस्सा बन जाए। यानी मैं केस स्टडी पढ़ा रहा था बच्चों, तो उसमें एक बंदा उस वहां की कम्युनिटी का मेंबर भी था, वहां की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा भी था और वो बिजनेस भी बहुत अच्छा जानता था। उस कंपनी ने उसे अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में शामिल कर लिया। क्यों? इख्तियार भी है, इंटरेस्ट भी है, उन्होंने कहा इसको अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना। अच्छा बच्चों, अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे शेयर, अच्छा अब मैं यहां लिख भी देता हूं, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल देने के लिए कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं एक स्टैटिक सिचुएशन क्रिएट करके कहूं कि डायरेक्टर जो होते हैं ना, ये वो स्टेक होल्डर होता है जिसके पास पावर भी है, यानी इख्तियार भी है, देखिए ना, कंपनी के फैसले कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी है कि कंपनी ग्रो करेगी, नई शेयर्स भी मिलेंगे, सैलरी भी मिलेगी और बेनिफिट भी मिलेंगे, ठीक है। और ये तो आप बताए ना, डायरेक्टर्स को सैलरी भी मिलती है, शेयर्स भी मिल रहे हैं कंपनी में। अच्छा बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनके पास पावर तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो आप पे इतना बिलीव करते हैं कि वो इंटरफेयर करने को तैयार नहीं होते। हम इन्हें कहते हैं ये स्लीपिंग पार्टनर्स है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का वर्ड ताकि आपको याद रहे, ऐसे मेजर शेयर होल्डर्स, ऐसे मेजर शेयर होल्डर्स जो आप पर अंधा एतमाद करते हैं, तो इसका मतलब पैसे दे के मेजर शेयर होल्डर जो ट्रस्ट करते हैं आप पे, ऐसे मेजर शेयर होल्डर जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, पैसे देके चले गए 30%, 20%, 25% शेयर उनके, वो कह रहे नहीं नहीं आप क्या मेरे तबाह, तो इनको हम क्या कहेंगे, पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है, इंटरेस्ट लो। अच्छा इनकी स्ट्रेटेजी तो इनको की प्लेयर, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है? कीप सेटिस्फाइड, यानी हाल तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते लेकिन उनको प्रेजेंटेशन देते रहे, उनको बुला के बातचीत करते रहे ताकि वो मुतमिन है तो मुतमिन है। लेकिन कुछ स्टेक होल्डर होते हैं जिनके पास इख्तियार तो कोई नहीं होता, रोला बड़ा डालते, यानी बेचारों का मुफाद बड़ा होता है, जैसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, ठीक है ना, तो उसके पास इख्तियार कोई नहीं है, अकेला कर कुछ नहीं सकता, लेकिन उसका उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। क्या? देखिए आप दो चीजों पे गौर कीजिए, पहली बात ये गौर कीजिए इख्तियार, कुछ कर पाना, कोई एक्शन आपके खिलाफ कर रहे हैं, और इंटरेस्ट क्या है आपका मुफाद। तो देखिए वो जो की प्लेयर है वो डायरेक्टर्स की मिसाल दी, तो डायरेक्टर्स जो है क्या फैसले कर सकते हैं, तो इख्तियार उनका क्या है, हाई है, और क्या कंपनी के तरक्की करने से उनको फायदा होता है, तो मुफाद भी होता है, तो दोनों चीजें हो गई ना, उनका मुफाद भी हो गया और उनका
पावर भी होगी तो वो की प्लेयर होने चाहिए, वो हिस्सा होना चाहिए मैनेजमेंट वाला है भी। अच्छा ये देखिए, ऐसा बड़ा पार्टनर जो आपसे मुतमिन है, पैसे उसने लगाए हुए हैं लेकिन वो कहता है जो आप पॉलिसी बनाएंगे मुझे मंजूर है, उसको कैसे चलाना है, उसको बार बार बुला के क्या करो, सेटिस्फाई करते रहो, उसको प्रेजेंटेशंस वगैरह देते रहो, उसको फैसलों से आगाह करते रहो। जी इंटरेस्ट लो है, वो कोई एक्शन ही आपके खिलाफ करना चाहता, वो बस खामोशी से करता। अच्छा कीप इन्फॉर्म्ड किसके लिए, जो इंडिविजुअल या माइनर शेयर होल्डर है, जिसने 2012 से शेयर खरीदा हुआ लेकिन दुआएं करता रहता है डिविडेंड ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लेकिन दुआएं करता है, तो मुफाद तो हुआ ना उसका, है पावर है उसके पास, कुछ कर सकता है, ज्यादा ज्यादा शेयर बेच देगा, दो चार अब्यूजेस कर देगा और क्या करेगा। अच्छा तो ऐसे बंदे का क्या हाल पता है, कीप इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड कैसे करेंगे, आप शेयर होल्डर की गारंटी हर दफा एक बुक नहीं आती, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 6 माह बाद साल बाद भेजते रहते हैं ताकि इन्फॉर्म्ड हो। लेकिन कुछ क्लियर हो गया आप सारी बात, अगर मिनिमल एफर्ट, अगर पावर भी नहीं है इंटरेस्ट भी नहीं है दोनों ही लोग, तो उसके लिए कुछ ना कुछ भी ना दो। मिसाल आप सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, लोकल पब्लिक है, सुबह को जॉब पे जाती है रात को वापस हो जाती है, उन्हें बताइए उनके इलाके में सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई, तो क्या ख्याल आपको जाकर बताएं आपके इलाके में हमने सीमेंट फैक्ट्री लगाई, इससे डस्ट उड़ेगी, आपको दमा हो सकता है, शोर भी मचेगा, बताना चाहिए नहीं, वो सो रहे हैं, सो रहे नहीं बना क्या हाल नहीं बच्चों। चले मैं आपको ये क्लियर हो गया, मैं आपको भी बता दूंगा सारी बात। देखिए हमारे घर में ना आमतौर पर 4 और बड़े आम होते हैं, एक शोहर, एक बीवी, एक मां, ठीक है, और एक वालिद, ठीक है जी। अच्छा देखिए बीवी जो होती है जब उसे घर की चाबियां मिल जाती, की मिल जाती है उसको, तो क्या बन जाती है, की मिलते की प्लेयर बन जाती है, ठीक है, की मिलते क्या बन जाती है, की प्लेयर, बिकॉज सारे रिसोर्सेस हर चीज उसके पास होती है, तो वो कहां आएगी, की प्लेयर। अच्छा वाली जो है ना वालिद, वो कहां आएगा, वो आएगा सी, कीप सेटिस्फाइड, मकान उनके नाम होगा, गाड़ी उनके नाम होगी, लेकिन वो जब भी उनसे तो बात होगी कहेंगे को तो आना प्यार है, वो मस्जिद चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, तो उनको कीप सेटिस्फाइड, जब भी मिले आप वालिद के साथ बैठे बैठे उन्हें बताएं कि वो गाड़ी क्यों बेचनी पड़ी, वो फ्लान शेयर क्यों बेचे, वो प्लाट क्यों खरीदा वगैरह वगैरह, कीप सेटिस्फाइड, आगे वो नहीं इंटरेस्ट लेते लेकिन सेटिस्फाइड। और बीवी फैसले सारे करेगी वो। अच्छा अब वालदा आ गई, वालदा को क्या रखना है आपने, बी कीप इनफॉर्म, क्योंकि अच्छा अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये स्टेक होल्डर अपनी जगह बदल लेंगे, आपने एक रियल शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखा, तो सारों को इकट्ठा करके रोला डाल देगा, वो की प्लेयर बन जाएगा, अपना कोई नुमाइंदा बता देगा फिर उधर डायरेक्टर को। इसी तरह अगर मां को आपने वक्त पे इन्फॉर्म ना किया तो शोहर को साथ में लाएगी, उधर आप चाबियां वापस ले लेंगे, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रात को लेट क्यों हुए थे, खाने में नमक कम क्यों है, आज कीड़े क्यों पकाए हैं, गोश्त क्यों नहीं पकाया, ठीक है, ये सारी बातें इन्फॉर्म करनी पड़ेंगी उनको। अगर आप नहीं इन्फॉर्म रखेंगे तो वो कहेंगे ऐसे मेरे को कुछ नहीं, कोई नहीं बटे छोटे का पता ही कोई नहीं, एक कार से अपनी डगर चल रहा है, शोर साथ ही कहते भी कैसी चाबियां ना नहीं चाहिए अगर को और हो सकता है 2-4-5 दिन मेके भी होना चाहिए। अच्छा तो बेहतरीन हल क्या है कि इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्म रखा जाए मदर इन लॉ को, फादर को कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर तो है ही है, और शोहर की हमेशा क्या करें, मिनिमम केयर करें, ठंडा खाना दे उसको, भाई देखिए रात को आता है
सारे दिन बाद आता वो कर क्या सकता क्या कर सकता है बताए फ्री वाले संडे को से बर्तन बनवाए तो मिनिमल तो उसके लिए क्या है अच्छा ज्यादा ऊंचा बनेगा तो बाप भी डांटेगा आगे सारे दिन बाद आके खप्पा दे तू खाना चुप करके तेरा पियो ठंडा खाना नहीं खाता रहा सारी उम्र अच्छा तो इसे क्या है कि यू सी के यूनियन एफर्ट तो ये आप देखिए मैं डोला नहीं मैट्रिक्स बनाई हमारे घरों के ऊपर ये मोहरी मराई हुई आप देखिए है कि नहीं बच्चों अच्छा तो ये है अब देखिए सारे बच्चों को अपने वाली भी याद आ रही बेचारे मुस्लिम से अच्छा तो अब बात आ गई कहनी अकॉर्डिंग टू मेंडोलाज मैट्रिक्स स्टेक होल्डर इन ये मेरा ख्याल है कि सी काट दीजिए बस आप ये याद रख लीजिए कि ये लो इंटरेस्ट और हाई पावर होते हैं या नहीं होते क्या हाल है कीप सेटिस्फाइड तो हम इसको क्या कर सकते हैं फॉल्स ठीक है जी अच्छा नेक्स्ट बोलिए इफ अ स्टेक होल्डर हैज हाई इंटरेस्ट एंड क्या करेंगे आप गुड अच्छा बच्चों आप बताइए इफ अ स्टेक होल्डर हाई इंटरेस्ट बट लो पावर क्या है पक्की बात है अच्छा चलिए आगे डैश कंपराइजेस ऑफ ऑल ऑफ दोज इंडिविजुअल आर ग्रुप्स हु हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेक होल्डर डेफिनेशन है उसकी क्लियर बच्चों अच्छा ए पब्लिक हैज अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर एच इज अ पेंशन फंड कितने शेयर है उसके परसेंट वाइल नो अदर शेयर होल्डर हैज मोर देन पावर क्या है इनकी पावर हाई है इतने ज्यादा शेयर है हाउएवर ही हैज स्टेटेड दैट इट इज सेटिस्फाइड विद द डायरेक्टर्स ऑफ ए एंड हैज नो प्लान टू इंटरवेन तो इंटरेस्ट क्या हुआ इंटरेस्ट लो कीप सेटिस्फाइड अब देखिए केस स्टडी बना दिया ना उसने कि शेयर 35% है तो पावर तो है लेकिन वो कहता है मैं आपसे मुतमिन हूँ मुझे आपकी बात पे इतबार है तो क्या करेंगे कि सेटिस्फाइड रखें ठीक है जी नो प्रॉब्लम ए लार्ज कंपनी हूज शेयर्स आर ओन्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर हु डू नॉट विश टू एंगेज विद द कंपनी ये सेम सवाल है रिपीट हुआ सेम सवाल क्लियर बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर स्टेक होल्डर विद द लो लेवल ऑफ पावर एंड लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट मिनिमल एफर्ट करें ज्यादा उसको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है अच्छा जी कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट व्हेन ए कंपनी यूजेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एम्ड एज एक्सप्लेनिंग द रैशनल बिहाइंड एक्शन टू इट्स स्टेक होल्डर्स दिस इज रेफर्ड एज मेंडोलास मिनिमम एफर्ट ये मिनिमल एफर्ट है जबकि वो क्या कर रही है यूजेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एम्ड एज एक्सप्लेनिंग द रैशनल बिहाइंड एक्शंस वो तो इनफॉर्म कर रही है कीप इनफॉर्म तो कीप इनफॉर्म मिनिमल एफर्ट तो नहीं होता ये तो गलत हो गया अच्छा दूसरा इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर शेयर होल्डर कैन बी अपीयर टू कॉन्फ्लिक्ट यस ये तो होता है क्योंकि शेयर होल्डर चाहते हैं हमें जो है ना ज्यादा मुनाफा दे दो कस्टमर कहते हैं ज्यादा क्वालिटी दे दो क्लियर बच्चों कौन सी ऑप्शन लेने बीटा अच्छा जी अब मुझे उम्मीद है कि इतना कुछ पढ़ने